should stay away from the arenas. Try making pottery instead. It's more your speed. We have no access there, but we do there, you see. Mita. You have something for me? I do. We've been able to free the people of the South, but the North has been cut off from us because of Kingsbridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the North. Now, the bridge is heavily defended. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it. Drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the North, and you'll be one step closer to Yuma. Okay, तो एक ही to the North. Welcome दोस्तों एक नए वीडियो में. पहले ये बताओ मेरा उड़ना कैसा लगा. वीडियो के शुरू में मैंने बॉडी सूट पहन के एक उड़ने का टेस्ट किया था. कैसा लगा कमेंट में बताओ. ये गेम ख़त्म होने को आया है और अभी मुझे अच्छे से उड़ना मैं सीख रहा हूँ अभी भी. तो चलो इस वीडियो में हमको नॉर्थ का जो एरिया है उसे कैप्चर करना होगा. उसके लिए पहले एक फ्यूल टैंक को हमें हाईजैक करना होगा. And for all of Kira's blessed children, remember that. याद है ना नॉर्थ का वो एक किंग ब्रिज नाम की एक ब्रिज है. उस ब्रिज को आज कैप्चर करेंगे हम. ओके, तो वो रहा हमारा फ्यूल कैंप. ये देखो टोटल 5 या 6 गार्ड होगा और उसमें से एक स्नाइपर भी है. तो मुझे थोड़ा घूम के जाना होगा. मैं कोशिश करूँगा यहाँ से ये पानी के रास्ते से उन लोगों पर अटैक करने के लिए. और ऊपर जो ट्रक लिखा आ रहा है और ये जो सफ़ेद बार है ये ट्रक की हेल्थ कंडीशन दिखा रहा है कि ट्रक कितना ठीक ठाक है. अगर ट्रक में इस लड़ाई में गोली वोली लग गई या वो डैमेज हो गया तो ये मिशन फेल हो जाएगा क्योंकि हमें वो ट्रक हाईजैक करके ही आगे बढ़ना होगा. और ये देखो अब होगी तगड़ी फाइट. Hey, spread out and search. Where are you hiding? मैं स्पॉट भी हो गया लेकिन मेरा अंदाजा गलत था. यहाँ 6 से ज्यादा एनिमी है. ये देखो मैं इधर नहीं मार सकता क्योंकि अगर इसको मारा तो टैंक फूट जाएगा. ओके, तो लगभग सारे एनिमी को मैंने एलिमिनेट कर दिया. अभी मुझे इस ट्रक को हाईजैक करना होगा. तो तैयार हो दोस्तों? तो चलिए तबाही मचाते हैं. ओके, तो मैं ट्रक में बैठ गया. अब ये
मुझे रॉयल ब्रिज तक, सॉरी मैंने उसे किंग ब्रिज बोला था लेकिन उसका असली नाम है रॉयल ब्रिज, तो मुझे इसे रॉयल ब्रिज तक ले जाना होगा। और ऑटो ड्राइव की फैसिलिटी भी मुझे नहीं दी गई है, तो मुझे इसे खुद ड्राइविंग करना होगा। और अगर आप लोग मेरा गेम प्ले फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी ये होगा कि इसको ड्राइविंग कैसे किया जाए, क्योंकि मैं बहुत घटिया ड्राइवर हूँ और साथ में एनी वी भी है, हेवी मशीन गन। ये देखो, मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी से ही सबको एलिमिनेट किया जाए। अगर गाड़ी से मैं हर एनिमी को नहीं मार सकता और मेरे लिए परेशानी हो जाए तभी मैं कार से उठूंगा, वरना मैं जाने लूंगा। छोड़ो, एक अगर बच गया तो बच गया, तो लगभग मैं आ गया। अभी भी 400 मीटर दूर हूँ। ये देखो, एक और बैरिकेड है एनिमी का। ओके, तो मुझे मल्टी किल के लिए भी एक्सपी मिल गया। ये देखने लायक, ये देखो सामने और दो कार में एनिमी है और ये रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। चलो चल के ही मारते हैं। तो सामने बिल्कुल धुआं धुआं हो रखा है। मिस हो गए, दोनों मिस हो गए, तो मुझे यहां उतरना होगा। ये देखो, ये बिल्कुल टैंक के पास खड़े हैं। लेकिन चलो, थोड़ा डैमेज तो हुआ ट्रक को, लेकिन अभी भी ट्रक ठीक ठाक है। ये देखो, थोड़ा डैमेज हुआ दोस्तों ट्रक का, लेकिन अभी भी ट्रक ठीक ठाक है। और 100 मीटर अगर ले जाऊं तो शायद एक चेक पॉइंट भी मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें सामने। ओके, रीच द गेट्स विद फ्यूल टैंक। तो हमें सीधा गेट तक जाना होगा और शायद पूरी ट्रक को। ये क्या था? तो हमें शायद पूरी ट्रक को लेके ब्रिज की जो गेट है, रॉयल गेट, उधर लाके सीधा चढ़ाना होगा ताकि ये ट्रक एक्सीडेंट हो जाए। चलो जंप मारता हूँ। जो मैंने, जो मुझे कहा गया था करने के लिए वो तो किया, लेकिन लेकिन ऊपर से स्नाइपर तैयार था और स्नाइपर ने अच्छे खासे डैमेज दिया। लेकिन चलो अभी बदला लेंगे। तो अंदर बहुत सारा एनिमी होगा। ये देखो, फ्लायर भी इसने छोड़ दिया बैकअप के लिए, तो मैं सेफ खेलूंगा। We have a general direction. Now find him.
चलो मुझे एक मोहन काली का जर्नल भी मिल गया और ये एलम भी मैं डिसेबल कर दिया। ये देखो एक और एलम। तो मुझे चेक पॉइंट भी मिल गया, तो अभी मुझे नए से शुरुआत करना नहीं होगा। और एक और बात है कि और एनिमी आने वाला है, मुझे तैयार रहना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। Has taken the bridge that once split this glorious country in two. He has struck a blow for Kira and opened the north again. I invite all true brethren of faith to rise up now and join the struggle to save your country, save your way of life. ये देख, बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया था इसलिए अंदर आ गया। दो गाड़ी भर के नई एनिमी आई है। ग्रेनेड देख रहा था, ये किधर चला गया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोटा सा जानवर है लेकिन डैमेज तो देखो, बुलेट से भी ज़्यादा डैमेज देता है। गधे ने तो पूरी घर में आग लगा दी और एक ग्रेनेड भी फेंका इसने, तो मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। भागो,
ये स्नाइपर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी स्नाइपर को चेंज करने वाला हूँ अगले मिशन के लिए, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही कम है। इतना पास से मारा फिर भी एक शॉट में नहीं मारा। इधर से एक आने वाला है, किधर गया? तो एक बचा हुआ एनिमी जो था उसने सीधा मोटर के पास चला गया और अभी मोटर से मुझ पर हमला कर रहा है। अभी उसे निपटना होगा। और इसके साथ पूरा जो एनिमी था वो सारा एनिमी खत्म हो गया। और गोल्डन पथ की जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर आ गया मेरे मदद के लिए। और इसके साथ ये मिशन कंप्लीट हुआ। अब ये देखो, ये आखिरी वाला पार्ट था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया इसलिए मैंने पहले भी इसे प्ले कर दिया। मैं उड़ना प्रैक्टिस कर रहा था मिशन कंप्लीट होने के बाद। ओके गाइस, तो यही था वीडियो। एक ई टू नॉर्थ मिशन कंप्लीट हो गया और अगले आने वाले पार्ट में और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि गेम अभी पूरी तरीके से मज़ेदार होने वाला है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।